पाकिस्तान के सिंध पुलिस में 26 वर्षीय मनीषा रुपेटा एक सीनियर अधिकारी बन गई हैं। वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला पुलिस उपाध्यक्ष यानी DSP है। दरअसल पाकिस्तान एक पुरुष प्रधान देश है, जहां समाज और संस्कृति में महिलाओं के लिए पुलिस बल में शामिल होना बेहद मुश्किल माना जाता है। मनीषा ने ऐसी बाधाओं को तोड़कर महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। सिंध के जैकोदाबाद इलाके की रहने वाली रुपेटा का कहना है कि बचपन से मैंने और मेरी बहनों ने पितृसत्ता की वही पुरानी व्यवस्था देखी, जहां लड़कियों से कहा जाता है कि अगर वे शिक्षित होना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं तो वह केवल शिक्षक या डॉक्टर बन सकती हैं। मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली मनीषा ने कहा कि वह इस भावना को खत्म करना चाहती हैं कि अच्छे परिवार की लड़कियां का पुलिस या जिला अदालतों से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समाज में सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं और कई अपराधों का टारगेट हैं। मैं पुलिस में शामिल हुई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपने समाज में रक्षा करने वाली महिलाओं की आवश्यकता है। फिलहाल मनीषा की ट्रेनिंग चल रही है और उन्हें अपराध प्रभावित लियारी इलाके में तैनात किया जाएगा। उन्हें लगता है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में काम करना वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाता है और उन्हें अधिकार देता है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज TV। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।